एंड यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है यार, यहाँ पे यार देखो कुछ लाल लाल सा, एक मिनट अरे 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 सब चीज बंद हो गई, मेरी कार भी बंद हो गई भाई, अरे ये क्या, ओए भाई 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 मेरी कार यहीं पे बंद हो गई आके, अरे भाई जंगल पीछे ये क्या, ओ ओ अरे 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 ये ब्लैक होल सा, अरे क्या है ब्लैक होल। तो फॉर्मली स्वागत है आपका एक बहुत जबरदस्त गेम, हॉरर गेम आप कह सकते हो, जिसका नाम है पैसिफिक ड्राइव। एंड गाइज ये गेम बहुत जबरदस्त है, आप में से मेरे को एक फैमिली मेंबर ने मेरे को भाई ये रिकमेंड किया था कि भाई आप ये गेम खेलो, बहुत जबरदस्त गेम है भाई। ये बेसिकली ये एक सर्वाइवल हॉरर गेम है जिसमें हमको एक कार के अंदर सर्वाइव करना पड़ता है, जहाँ वही बैठ जाओ आराम से भाई, और कुछ खाने पीने का भी ले लो और आराम से भाई बैठ के अब इस जो सीरीज है इसको इंजॉय करते हैं। अभी तो गेम स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, तो पहले गेम को स्टार्ट हो जाने देते हैं, देन उसके बाद भाई हम देखते हैं आगे हमें करना क्या है यहाँ पे। ओके यहाँ पे ब्लैक स्क्रीन आ गई एंड आई थिंक कोई हमें कहानी वगैरह बताई जाएगी इस गेम की, कि इस गेम में आखिरकार हुआ क्या या करना क्या है। इन 1947 द ओलंपिक पेनिनसुला बिकम द स्ट्राइकिंग ग्राउंड फॉर अ प्रोमिसिंग न्यू टेक्नोलॉजी एज रूमर्स ऑफ इट्स यूटोपियन क्रिएशन स्प्रेड, सो डिड स्टोरीज अबाउट ओवरनाइट वैक्यूशन एंड अनसॉल्वड डिसअपीयरेंस। अब देखो भाई साहब 1947 में जो गवर्नमेंट यहाँ की है ये इस एरिया में कुछ काम वगैरह कर रही थी, कुछ नई टेक्नोलॉजी को एस्टेब्लिश कर रही थी, बट उसके बाद और यहाँ पे जो रहने वाले सिटीजन्स थे जो वगैरह वगैरह सब लोग थे उनको उन्होंने बाहर भेज दिया एंड बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स क्रिएट कर दी, मतलब सिटीजन्स को कहीं और शिफ्ट कर दिया। देन यहाँ पे उन्होंने कुछ 30 साल तक रिसर्च किया, लेकिन अभी उनके हाथ पे ऐसा कुछ लगा नहीं एंड और उनके हाथ क्या लगा या क्या ना लगा भाई उन्होंने कभी उस चीज़ को डिस्क्लोज नहीं किया हमारे सामने। तो चलो भाई हमें वहीं जाना है और बहुत बड़ी बड़ी वॉल्स वहाँ पे खड़ी हुई है, तो मेरा सफ़र यहीं पे स्टार्ट हो चुका है एंड ये अपनी कार है जो कि बहुत जबरदस्त है। एंड अभी तो भाई हम सिंगल लेन पे चले, डबल लेन है यहाँ पे एंड रास्ता काफ़ी खूबसूरत है। अभी हम जंगल में घुस चुके हैं, एंट्री हो चुके हैं, लेकिन अभी आउटसाइड में थोड़ा, और यहाँ पे भाई अभी सीनेरियो थोड़ा अच्छा है, लेकिन थोड़ा अजीब सा लग रहा है मेरे को अंदर से कि भाई अंदर जाने के बाद होने क्या वाला है इस फॉरेस्ट में, बिकॉज यू नो कि भाई फॉरेस्ट कितने ज़्यादा डेंजरस होते हैं एंड जिधर पे गवर्नमेंट काम करती है एंड भाई वो कभी बताती नहीं कि इधर हुआ क्या या हमें जाना बैन उन्होंने क्या रखा होता है या वगैरह कुछ भी, तो भाई वहाँ पे तो और भी ज़्यादा खतरा होता है। लेकिन लेट्स सी डेट व्हाट विल बी हैपन देयर। उसके बाद यार चलो अभी पता है आपको क्या हुआ, मैं भी सोच ही रहा था कि भाई कोई हॉरर गेम स्टार्ट करूं, बस यही ऐसे भी कोई हॉरर हॉरर गेम स्टार्ट करने जा ही रहा था, तो इट वाज लाइक मुझे ये गेम मिल गया पैसिफिक ड्राइव। एंड मेरे एक फैमिली मेंबर ने मेरे को रिकमेंड भी किया था कि भाई आप हर फ्राइडे को पैसिफिक ड्राइव का एक गेम प्ले अपलोड करो, तो मैंने कहा यार फ्राइडे तो अभी एक दिन बाद ही है, मैं आज ही कर देता हूँ अपलोड, तो चलो कोई बात नहीं यार। और यहाँ पे धीरे धीरे इवनिंग होती लग रही है एंड आई थिंक ये रात हो जाएगी पहुँचते, तो चलो यार चलते आराम से एंड बारिश भी होना स्टार्ट हो गई है, तो मैंने यहाँ पे वाइपर ऑन कर लिया अपना एंड अब इधर से भाई रास्ता अपना कटेगा। अभी तो बाहर बहुत तेज़ हो रही है, जल्दी जल्दी मतलब होने वाली बहुत तेज़ बारिश मेरे को ऐसा लग रहा है, धीरे धीरे बढ़ रही है। ओके एंड भाई ये रोड कितने मस्त है यार, मुझे याद आ गया एक गेम है डेज गोन भाई, उसमें कुछ ऐसा ही सीनेरियो रहता है एंड भाई वो भी बहुत खतरनाक गेम है, मैं आपको बताता हूँ। विंटर्स चल रहे थे तो आज से 2 से 3 महीने पहले मैंने डेज गोन को एक बार खेलने की कोशिश की थी एंड उस समय रात था, तो भाई वहाँ का जो इन्वायरमेंट था वो मुझे बहुत ही ज़्यादा डरावना सा लगा, तो मैंने कहा भाई उस गेम को नहीं खेलूँगा बिकॉज मैं हॉरर गेम्स उतने ज़्यादा पसंद नहीं करता, लेकिन आप लोगों ने बोला तो मैं खेल रहा हूँ एंड अब मैं बताऊँ लिटरली मेरे को भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है एंड जो आवाज़ें आ रही है इसमें साउंड आ रहा है मुझे लग रहा है कि ऐसा डर सा, लेकिन कोई बात नहीं, बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है झमझम 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 यहाँ पे। ओके एंड वहाँ पे सामने यार कुछ ऐसे टावर्स टाइप्स बने हुए, उस पर रेड लाइट्स जल रही हैं एंड वो पहाड़ी पे ऊपर है एंड अभी तो हम यहाँ पे रोड पे हैं, उधर भी कभी जाएंगे, लेकिन देखते हैं कि ये जो मिसर है हमें किधर लेके जाती है, गेम पूरी किधर लेके जाती है पैसिफिक ड्राइव, लेट्स सी। और यहाँ पे बस जंगल स्टार्ट, मतलब जंगल तो हम कभी चढ़ रहे हैं, यहाँ पर पहाड़ों पर से रास्ता कटा हुआ है एंड जो फॉरेस्ट है पहाड़ी पे है। ओके भाई बहुत ज़्यादा ऐसा अजीब सा लग रहा है कि आगे होने वाला क्या है एंड भाई जो कार है इसमें पैसिफिक ड्राइव में डेवलपर्स ने भाई कार बहुत ज़्यादा जो इसकी ड्राइविंग है बहुत अच्छी बनाई है, ऐसा लग रहा है कि मैं कोई रियल कार ड्राइव कर रहा हूँ भाई। ओके टॉगल हेडलाइट्स, ओके चलो भाई हेडलाइट्स जल गई बिकॉज यहाँ पे एक अंडरग्राउंड सुरंग टाइप्स आ चुके हैं यहाँ पे, तो चलो यार इसमें से निकालते हैं यहाँ पे एंड ओ ठुकना मत बहुत ही ज़्यादा मेहनत से कार है भाई अपनी, अगर ख़राब होगी जंगल के बीच ना पूरी वाट लग जाने वाली यहाँ पे। अरे आपको भी कुछ आवाज़ें आ रही हैं यहाँ पे भाई, मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है यहाँ पे, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मैं हॉरर गेम ज़्यादा खेलना पसंद नहीं करता बिकॉज यार कुछ भी कह लो, लेकिन अब देखते हैं आगे। ओके अरे लड़ियों मत यार, यही कार है मेरी,
एंड भाई अब एंट्री हो रही है धीरे धीरे फॉरेस्ट में। एंड भाई पेसिफिक ड्राइव मुझे बहुत अच्छा गेम लगा, मैं आपको बता रहा हूँ पर्सनली। जिसने भी मेरे सैगी गेमर, हाँ सैगी पिक गेम, ओके, उन भाई ने मेरे को रिकमेंड किया, भाई थैंक्स फॉर रिकमेंडिंग मी दिस गेम, एंड बहुत अच्छा गेम है यार ये, ओके। इधर इधर ओ कहाँ जा रही है भाई, अरे 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 यार मुझसे ही गलती होगी तुझसे, ओ हो देख रो भाई भाई भाई, यहाँ पर वार्निंग का एक लगा हुआ भाई, वार्निंग का भाई गड़ा हुआ है, अरे यार इसे कहते क्या, मैं भूल गया भाई अभी ही भूल गया, मैं बैनर कुछ भी कह लो लगा हुआ है, देख रो यार वार्निंग है किसके अंदर, हमें जा रहा है ली भाई, हम वार्निंग को मानते नहीं, हम तो जाएंगे भाई इसके अंदर, ओके। यहाँ पे कच्चा रास्ता स्टार्ट हो गया है, एंड आई थिंक कि भाई कोई कार तो इसमें आई है, और आज भी ये देख रहे हो यहाँ पे जो वॉल्स लगी पड़ी हैं, हम उसके आउटसाइड से जा रहे हैं, अभी उसके इन हम गए नहीं, एंड ना ही हम जाने वाले हैं, या हो सके मिशन में आगे जाएँ, वो यहाँ पे अब लंबी लंबी दीवारें देख रहे हो ना, वो लोग खड़े करके उन्होंने रखे हुए, और भाई यहाँ पे आवाज़ी जंगल में आके और ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, एंड ओहो अच्छा यहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं, एंड आई थिंक भाई यहाँ पे अभी भी काम चलता है, गवर्नमेंट अभी भी काम करती होगी, बिकॉज यार गवर्नमेंट नहीं करती तो कोई तो इधर से गया है, आप देख रहे हो यहाँ पे। और भाई वो कार उसकी बहुत ही हैवी कार थी, कोई एक्सयूवी रही, आई मीन एसयूवी ही रही होगी, देख रहे हो यहाँ से गई है उसकी कार, एंड यहाँ पे उसके जो टायर्स होते हैं उसके निशान पड़े हुए पहियों के, एंड हम भी उसी के पीछे पीछे जा रहे हैं यहाँ पे, एंड फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डेंस है एंड बहुत ज़्यादा डरावना है भाई, पूरी हॉरर फील आ रही है भाई। एंड मैंने जैसे थंबनेल में आपको दिखाया है कि एक बहुत डरावना सफ़र, एंड भाई ये सफ़र बहुत डरावना, एंड यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है यार, यहाँ पे यार देख रहे हो कुछ लाल लाल सा, एक मिनट, अरे 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 सब चीज़ बंद हो गई, मेरी कार भी बंद हो गई भाई, अरे ये क्या, ओए भाई 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 मेरी कार यहीं पे बंद हो गई आके, अरे भाई जंगल पीछे ये क्या, ओ ओ ओ, ओ अरे 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 ये ब्लैक होल सा, अबे क्या है ये ब्लैक होल, लो भाई, अरे यार बहुत डरावना था यार, ओह ओ भाई 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 इसने जान निकाल दी भाई, क्या था ये, और यहाँ पे हम ट्रैवलिंग आ रहे हैं, यहाँ पे स्क्रीन लोडिंग स्क्रीन चलने लगी, ओके ओके ये पूरी वाइट स्क्रीन, ओ भाई फैमिली देख रहे हो यहाँ पे पूरी तबाही मच चुकी है, एंड ये क्या ग्रीन ग्रीन सा है यार, सारे पत्ते उड़ रहे हैं भाई, यही यही है पृथ्वी का अंत, इसे कहते हैं भाई अगर इंसान अपनी हरकतें नहीं छोड़ेगा, द ओलंपिक एक्सक्लूजन जोन, ओह गो टू सेफ्टी भाई, सेफ्टी जाना होगा, सेफ जाना होगा हमको, और बहुत खतरनाक एरिया में यहाँ पे आ चुके हैं, यहाँ पे टायर वगैरह सब उड़ रहा है, ऐसा लग रहा है भाई ग्रेविटी यहाँ पे है ही नहीं, ग्रेविटी भाई बिल्कुल ना मात्रा ऐसा लग रहा है, देखो सारी चीज़ें आसमान में ऐसे फ्लोट कर रही है, बहुत ज़्यादा ऐसे फ्लोट टाइप्स, ओहो कोई बात नहीं भाई आराम से चल लेते हैं, और हमारी कार का भी भाई सत्यानाश हो गया, और उसके टायर वगैरह सब यहाँ पे फेंक गए यार, देख रहे हो एक तरफ से बोले तो अब जंगल में पूरा फंस चुके हैं भाई, बहुत ही ज़्यादा डरावना सीन हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा, एंड यार बहुत ज़्यादा डरावना सीन हो गया यहाँ पे, हम जंगल में पूरी तरह से फंस चुके हैं, एंड यार ये ग्रीन ग्रीन सा क्या है यार, ये भाई बेंटन का एक एलियन था, उसका नाम क्या था, मुझे अपग्रेड करके ऐसे कुछ था भाई, पूरी वैसी चीज़ें ये लग रही है, देख रहे हो अपग्रेड भाई बहुत ख़तरनाक एलियन था बेंटन का, वो किसी भी चीज़ को पे चिपक के भाई उसको कंट्रोल करने लगता था, मैंने तो बचपन में बहुत देखा, ओके यहाँ पे पेड़ एक एक्स किक, ओके भाई इसको किक करते हैं, तोड़ते हैं इसको यहाँ से, अरे हटो यार अब मेरे को सामने जाना है, एंड वहाँ पे क्या ब्लिंक कर रहा है यार, वहाँ पे कुछ ऐसा लाइट है, कोई तो है वहाँ पे, कोई तो है भाई वहाँ पे, वैसे ब्लिंक टाइप्स कर रहा है वहाँ पे, एंड एक मिनट इधर क्या है यहाँ पे, भाई मेरे को चोट बहुत ज़्यादा लगी, आप देख सकते हो रेड रेड, ओ ओ ये कार खड़ी हुई किसी की भाई, मैं बोला ना भाई कोई तो इधर आया हुआ है, शायद ये वही बंदा है, ये उसी कार है, एंड आई थिंक वो बंदा अभी यहाँ पे है नहीं, एंड आवाज़ें कैसी आ रही है भाई, बहुत ख़तरनाक जगह है यार ये, बहुत ख़तरनाक जगह है, लिटरली बता रहा हूँ, रियल लाइफ में कोई होता ना भाई उसकी हालत पूरी ख़राब हो जाती, ओके यहाँ पे कोई टायर पड़ा हुआ है, इसको इसमें फिक्स करना है मेरे को टायर को, ओके उठाते हैं इस टायर को एंड इसमें लगाते हैं यार, बहुत ख़तरनाक जगह है भाई मैं बताऊँ, लिटरली बहुत ज़बरदस्त गेम लगा मेरे को पेसिफिक ड्राइव, ओके 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 इसको यहाँ पे लगाते हैं यार, इधर आ जाओ भाई, ओ भाई 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 भाई, भाई, भाई। ओके अरे रुक जाओ यार इसको यहाँ पे सेट करते हैं, इंस्टॉल समर टायर, इसको इंस्टॉल करते हैं यहाँ पे, देन यहाँ से भाई निकलते हैं, अगर ये कार चलने लायक होगी तब, वैसे तो मेरी कार बहुत ज़बरदस्ती बट ये बहुत ज़्यादा खटारा है यार, मेरी कार में बहुत सारे मेरे इक्विपमेंट्स, बहुत सारी चीज़ें थी, मेरे बैकपैक वगैरह सब,
जो कि अब सब मेरे पास से जा चुका है। तो भाई अब यहाँ पे मेन गेम स्टार्ट हो चुकी है जहाँ से हमको सर्वाइव करना है, बिकॉज यार हमारे पास सब कुछ नहीं है, हम बिल्कुल निहत्ते हैं भाई। एंड मेरे को एक चीज़ विश्वास नहीं हो रही कि मैं चीकी में इस गेम को खेल रहा हूँ यार। देखो मैं सर्वाइवल गेम्स जो होते हैं जिसमें कलेक्शन करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें गैदर करनी होती है भाई, उन सारे गेम्स में एक चीज़ होती है ना कि मोबाइल में आदमी से जल्दी नहीं हो पाता, पीसी में और चीकी में तो टाइम भी नहीं रहता हमारे पास। पुट द का तो फैमिली मैं भी बोलूँ यार, मैंने तो चाबी स्टार्ट कर दी तो उसके बाद हुआ क्यों नहीं। तब मेरे को याद आया भाई ये गेम तो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है, इसमें अपने को गियर भी लगाना, तब ये कार चली है भाई। बहुत ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। अगर आप चीकी गेमर हो या फिर पीसी गेमर हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि भाई आप एक बार इस गेम को जरूर खेलना यार, बहुत ज़बरदस्त गेम है पैसिफिक ड्राइव एंड आई लिटरली लव इट। चलो भाई चलते इधर से। ओहो यहाँ पे बड़ी बड़ी चट्टाने टाइप्स रॉक्स रखे हुए हैं यहाँ पे, एंड यार बहुत खतरनाक एरिया। अभी जो हाईवे टाइप्स जो डबल लेन रोड था, वह हाईवे नहीं था, मैं उसको बोलूँगा कि जो माउंटेन से रोड कट के बने हुए थे वो भाई थोड़े अच्छे थे खत को, बट यार इट इज़ रियली माइंड ब्लोइंग यार, बहुत खतरनाक चीज़ है ये, देख रहे हो वहाँ पे। चलो चलो ठीक है, मैं आगे चल रहा हूँ यार इधर से। ओके ठीक है भाई। कार के जो सस्पेंसर्स है, क्या बोलते हैं उसको, सस्पेंसर ही बोलते हैं ना भाई, बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो रहे सॉकेट्स वगैरह इसके, बहुत ज़्यादा हचक से रहे हैं यहाँ पे और हुचक्का टाइप्स मरवा दे रहे पूरा। ओके फैब्रिक, अभी तो मैं इधर आ चुका हूँ। एंड यार कार में भाई बहुत सी खराबी है एंड कार बहुत ज़्यादा किर कर रही है यहाँ पे। ओके चलो चलते हैं। एंड ये इनकी यही बाउंड्रीज और हैं जो इन्होंने गवर्नमेंट ने घेर रखी है। एंड भाई क्या ही चीज़ यहाँ पे उनकी मिली। एक मिनट, मेरी कार यार फिर रुक गई, ये क्या हुआ यार, ये फिर कैसे बंद हो गई। सेफ ऑन फ्यूल, ओके मेरे को यार यहाँ पे कहीं पे पेट्रोल ढूंढना पड़ेगा, किसी की गाड़ी में से निकालना पड़ेगा यार, अब मेरे पास तो यहाँ पे कुछ नहीं है। एक मिनट, मेरे यहाँ हो सके डिग्गी पे पड़ा हो फ्यूल कैन, उसको लेते हैं एंड चलते हैं भाई, देखते हैं सामने वाली कार में है कि नहीं। ओके मैं इस फ्यूल कैन को टेक करता हूँ, दिन सामने की कार पे चलते, खटारा पे कुछ है या फिर नहीं। ओके फैमिली यहाँ पे मैं आ गया, ऑप्शन तो दे रहा है यहाँ पे सिफोन करने का, एंड आई थिंक इसमें हो सकता है फ्यूल। एक बार देखते भाई अपनी जो तार वगैरह रस्सी डाल के। ओके पाइप से आ रहा है भाई फ्यूल अपना, आ जाओ भाई 100% आ जाओ, फिर अपनी कार में डाल दूँ। देखो कितने लीटर की टंकी है उसकी। ओके चलो कहाँ गई मेरी कार, ओके वहाँ पे, चलो आ जाओ। एंड आई थिंक भाई जो परसेंटेज है, मैं अपना इस परसेंटेज होता हूँ क्या मान के चलूँगा, मैं आपको अभी बताता हूँ मैं इसको क्या मान के चलूँगा। यहाँ पे मैं आ गया और यहाँ पे फ्यूल का ऑप्शन आ गया, मैं इसको मैं पहले फ्यूल फिल करता हूँ। चलो ओके, अरे अभी और भरना यार, कार आगे जा रही है। चलो ओके 40% इसमें भरा गया है, तो आई थिंक इसको हम बांध के चलेंगे। 40% में हम क्यों चलें, इसकी 40 लीटर की टैंक है ना, इसकी जो टंकी है वो 40 लीटर की है, तो इस हिसाब से अगर ये 14 का भी एवरेज देती है हमको तो हम लगभग 4 4 16 कैरी 1 4 1 4 एंड 1 5 लगभग 400 से 500 किलोमीटर आराम से चल लेगी। आई थिंक की को फिर से टर्न ऑन करते हैं एंड यहाँ पे फिर गियर लगाते हैं एंड उसके बाद अब हमें शेल्टर के पास जाना है, किसी शेल्टर को खोजना होगा। एंड यहाँ पे हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, बहुत तेज़ से विंड चल रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हो बहुत भारी बहुत तेज़ हवाएं चल रही है जो कि हमारी कार को देख रहे हो अलग डायरेक्शन में लेके जा रही है भाई, पूरा कार जो मेरे संभाल में है ही नहीं भाई, अलग डायरेक्शन वहाँ पे जा रही थी। ओके यहाँ पे थोड़ी सी जो हवाएं वो कम हुई एंड की रास्ता तो अभी भी बहुत ज़्यादा हॉरर टाइप्स है एंड चलते भाई, बहुत ज़्यादा यहाँ पे कोहरा भी हो रहा है यहाँ पे, धीरे धीरे फॉगी सा वेदर हो जाएगा, कुहासा टाइप। चलो यार आराम से यहाँ पे निकल लेते हैं एंड ओके बहुत ज़्यादा हिचकोली खा रही है अपनी कार। सस्पेंसर्स भाई अच्छे हैं इसके, तो आगे वो साइड मिरर काम कर रही है ना, ओके इधर वाली तो कर रही है एंड आई थिंक राइट वाली होगी या फिर नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन चलते हैं भाई सेल्टर पे जल्दी से। एंड यार ये जर्नी बहुत ज़्यादा इंजॉयबल हो रही है अपने लिए एंड होने भी वाली है भाई, बहुत इंजॉय करेंगे हम लोग इसको मिलके। तो आज तो अपना ये पहला एपिसोड था एंड पहला एपिसोड इतना ख़तरनाक आपको देखने में लग रहा होगा और आप भी कहोगे भाई पैसिफिक ड्राइव कोई गेम तो है यार। ओके ये कार इतनी ज़्यादा स्किड कर गई भाई, यहाँ पे इसमें भी होती है क्या, GTA 5 में तो आदत सी पड़ गई है। ओके चलो इसको लेके चलते हैं भाई सामने की तरफ एंड यार कोई शेल्टर दिख जाए यार, प्लीज़ गॉड यार कुछ तो दिखा दो, यहाँ पे बहुत डरावना सा कुछ घर वगैरह दिख जाता है एंड यहाँ पे एक ब्रिज जा रहा है ऊपर से। ओके
ओके ओके, यहाँ पे यार यहाँ पे बैरिकेड्स टाइप्स क्यों लगे हुए यार, यहाँ पे ब्लॉक कर रखा है रोड, मेरे को इधर ही से लेके जाना होगा आराम आराम से। ओके मैंने तोड़ भी दिया इसको, बहुत ज़बरदस्त यार ड्राइविंग बहुत अच्छी इस गेम में, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा रियल। ओके इधर कुछ है, ये तो शेल्टर नहीं होने वाला अपना, अभी बीजीएमआई या पबजी तो है नहीं। ओके 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 ओके, मेरे को सामने दिख रहा है कुछ तो, कुछ तो दिख रहा है यहाँ पे रोड। ओके ओके सब यहाँ पे देख रहे हो वहाँ पे, ओके ओके इधर भी एक रास्ता है, लेकिन आई थिंक शेल्टर वही होगा एंड मैं उधर ही जाने वाला हूँ। यार अपनी कार को भी भाई थोड़ा रिपेयर वगैरह करना है कि नहीं करना भाई, एकदम खटारी सु हो रखी यहाँ पे, और वैसे ही अपनी कार नहीं, हमारी वाली कार तो भाई पूरी टूट टाट के बराबर हो गई वहाँ पे, उसके सारे पार्टिकल्स ऐसे उड़ रहे थे लाइक वहाँ पे ग्रेविटी है ही नहीं। चलो ठीक है, यहाँ पे हम आ चुके हैं ऑफिस ऑटो शॉप। ओके ये कोई ऑटो शॉप है, किसी ओपी बंदे के, ओपी कोई बंदा है, ओपी उसको बोल लो आप कुछ भी। चलो तो यहाँ सब उतरते हैं। तो फैमिली आई होप आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, एंड अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो भाई वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दो। मैं मतलब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।